नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें एक नया कंसेप्ट सीखना है, वो क्या? डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन आया क्यों, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, राइट? क्योंकि इतना अच्छा तो हम परम्यूटेशन कर रहे थे, हमें सब कुछ आ रहा था, फिर ये क्यों आया? तो आप समझना इसको। देखो, कई बार ना वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं गुड का, ठीक है? आपके पास ये वर्ड है, राइट? अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि आप इसे क्या करो ना, अरेंज करो, आप यहाँ पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताओ। तो आप क्या बोलोगे, फोर लेटर्स हैं तो यहाँ पर आप बोलोगे 4P4, मतलब 4 factorial, राइट? आप यही बोलोगे, लेकिन आपका आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि एक चीज आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, क्या? देखो, ये जो O है ना, ये तो दो बार है, राइट? जैसे समझो, मैं यहाँ पर लिखती हूँ G, मैं यहाँ पे वर्ड बना रही हूँ, ठीक है? तो G मैंने लिखा, फिर मैंने O लिखा, फिर मैंने यहाँ पर D लिख दिया, फिर मैंने O लिख दिया, ठीक है? मैंने क्या किया, देखो, ये वाले ओ को यहां पर लिखा, ये वाले ओ को यहां पर लिखा, ओके? फिर मैं लिखती हूं जी, तो ध्यान देना आप, समझो ये O1 है, ये O2 है, मैंने यहां पर O1 लिया है, O2 लिया है, ठीक है? फिर मैं यहां पर अब क्या करती हूं, ये जो O2 है ना, इसको मैं यहां पर लिख देती हूं और O1 को यहां पर लिख देती हूं, ठीक? अब उसके बाद अगर मैं यहाँ से ये नंबर हटा दूँ, ठीक है, ये नंबर्स मैं यहाँ से हटा दूँ, तब क्या आपको इन दोनों वर्ड्स में कोई भी डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों तो सेम ही है, GODO GODO। तो जब भी ऐसे सिचुएशंस होते हैं ना, तब हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन की। इसमें क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 factorial। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 4 letters थे, राइट? अब कौन कितने बार रिपीट हो रहा है, तो ओ दो बार रिपीट हो रहा है, कितने बार? दो बार। तो आप यहाँ पर लिख देना 2 factorial, बस, और कुछ नहीं करना है आपको। समझो, यहाँ पर अगर डी 3 बार रिपीट होता तो आप क्या लिखते? 3 factorial। समझ में आया? नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके? तो चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैं इसको रफ कर दूं उसके बाद। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताना है। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर देखो, फर्स्ट वन इज दिव्या, DIVYA, ठीक? आपको यहाँ पर क्या बताना है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ओके? तो देखिए, ये जो दिव्या है इसमें कितने लेटर्स हैं? 5 letters हैं। और यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है क्या? रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा है। तो जब लेटर्स रिपीट नहीं होंगे तब आपको डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन यूज नहीं करना है, ठीक है? जब लेटर्स रिपीट नहीं होंगे तब आपको ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं करना है, जैसे आप पहले करते थे वैसे आप कर डालो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब लेटर्स रिपीट होंगे तब आपको वहां पर डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन का कंसेप्ट यूज करना है। अभी इसमें तो लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे, मतलब हमें पहले जैसा ही करना है, तो चलो कर देते हैं। यहां पर लिखना द वर्ड दिव्या has how many letters? 1 2 3 4 5 letters। यहां पर लिख देना and all are different, मतलब सभी क्या है, अलग अलग है ना, and all are different, so therefore total number of permutations, total number of permutations इज इक्वल टू क्या होगा, 5P5। 5P5 का मतलब क्या, 5 factorial, ओके?
तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 60 2 जा 120, तो यहाँ पर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या आ गया, 120। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वन कंप्लीट कर लिया। ओके, देखिए यहाँ पर सेकेंड वर्ड क्या है, शांता राम। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एस एच ए एन टी ए आर ए एम, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो क्या हम यहाँ पर डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर रिपीटेशन है। देखो ये जो लेटर है ना ए, ये तीन बार रिपीट हो रहा है, मतलब आपको यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन का, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा नहीं दिया रहेगा कि आप यहाँ पर डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन का यूज़ करो, ऐसा नहीं दिया रहेगा, आपको समझना पड़ेगा जब लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तब आपको डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन का यूज़ करना है। ओके, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, लिखना द वर्ड शांताराम हैज, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स, जिसमें से एस तो रिपीट नहीं हो रहा, एच भी रिपीट नहीं हो रहा, ए रिपीट हो रहा है कितने टाइम, देखो 3 टाइम्स, तो यहाँ पर 9 लेटर्स, यहाँ पर लिखना ऑफ विच A is repeated 3 times, okay? और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, तो ध्यान से देखो और कुछ इसमें रिपीट हो रहा है नहीं, और कुछ तो रिपीट नहीं हो रहा, तो यहां पर नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा, लिखना hence the number of permutations इज इक्वल टू, देखो कितने लेटर्स हैं, 9 लेटर्स हैं, तो यहां पर लिखना 9 फैक्टोरियल, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो यहां पर लिख देना आप 3 फैक्टोरियल। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो कर लेते हैं हम इसको सॉल्व, तो देखो क्या आएगा यहां पर, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, बाकी बच्चे जो भी हैं इनको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 8 इज़ 72, 72 हो गया, फिर 7 6 जा कितना होता है 42, मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले इतना, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 2 0 3, ओके, फिर 5 4 जा 20, तो मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा, एक मिनट, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, यहाँ पर 0, कितना आ गया, 60480। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 60480। तो देखिए यहाँ पर हमने सेकेंड वन भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अब हम थर्ड वाला करेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पर थर्ड वर्ड क्या दिया है, तो थर्ड वर्ड है रिप्रेजेंट, आर ई पी आर ई एस ई एन टी, ठीक है, ये आपका वर्ड है, तो इसमें आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बताने हैं, तो यहाँ पर आप लिखना द वर्ड रिप्रेजेंट हैज कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स, ऑफ विच, देखिए इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है, तो इसमें ये देखो यहां पर आर, यहां पर आर, मतलब आर दो बार है, तो यहां पर लिखोगे ऑफ विच आर इज रिपीटेड 2 टाइम्स, और कुछ यहां पर रिपीट हो रहा है, तो देखिए ई
वन टू थ्री, मतलब e कितने टाइम्स है, थ्री टाइम्स है। तो यहां पर आप लिखना कि e इज रिपीटेड थ्री टाइम्स। और कुछ यहां पर रिपीट हो रहा है तो देखो, p है क्या, नहीं, s ये भी नहीं, n नहीं, t भी नहीं, मतलब यहां पे r और e रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो यहां पर अभी आप लिखो, हेंस द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू क्या होगा, देखो टोटल कितने लेटर्स हैं, नाइन लेटर्स हैं, तो यहां पर आप लिख दो नाइन फैक्टोरियल, ठीक। अब ये जो आर है कितने बार रिपीट हो रहा है, दो बार, तो यहां पर आप लिखना टू फैक्टोरियल, ओके। फिर E कितने बार रिपीट हो रहा है, थ्री टाइम्स, तो यहां पर आप लिखना थ्री फैक्टोरियल, समझ में आया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलो करते हैं, नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल, ओके, अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल। तो यहां पर थ्री फैक्टोरियल से थ्री फैक्टोरियल कैंसल, एंड टू फैक्टोरियल का मतलब क्या, टू, क्योंकि देखो आपके पास टू फैक्टोरियल है तो आप क्या लिखोगे, टू इंटू वन लिखोगे, राइट। तो बाद में क्या आ जाएगा, टू, मतलब टू फैक्टोरियल का मीनिंग ओनली टू। अब देखना यहां पर टू वन सा टू, टू टू सा फोर, अब आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो नाइन एट जा सेवेंटी टू, नाइन एट जा सेवेंटी टू कर दिया, सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टू टू जा फोर, टू सेवन जा फोर्टीन, फोर टू जा एट, फोर सेवन जा इतना होता है ट्वेंटी एट, राइट। तो फोर यहाँ पर टू, एट प्लस वन नाइन, वन टेन, कितना आ गया, थ्री थाउजेंड ट्वेंटी फोर, यही आएगा ना, एक बार फिर से देख लेते हैं, फोर फिर यहाँ पर ट्वेल्व कैरी वन, एट प्लस वन नाइन, वन टेन का जीरो कैरी वन, यस यहाँ पर आ गया थ्री थाउजेंड ट्वेंटी फोर। फिर फाइव टू ज़ा क्या, टेन, तो कितना मिलेगा आपको, थ्री ज़ीरो टू फोर ज़ीरो, मतलब थर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी, ओके। अब यहाँ पर फोर्थ वन कर लेते हैं, तो फोर्थ वर्ड क्या है, कंबाइन, तो क्या लिखोगे आप, जैसे हमने इसमें लिखा है, क्या लिखना है, द वर्ड कंबाइन हैज कितने लेटर्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन लेटर्स, ऑफ विच। अब देखिए यहां पर क्या क्या रिपीट हो रहा है, तो सी रिपीट हो रहा है क्या, ध्यान से देखो, सी रिपीट नहीं हो रहा, ओ रिपीट हो रहा है तो ओ यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, एम रिपीट हो रहा है, एम भी नहीं हो रहा, बी हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो बस आप यहाँ पर लिखो सेवन लेटर्स एंड ऑल आर डिफरेंट, हेंस द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने लेटर्स हैं, सेवन ना, तो यहाँ पर सेवन फैक्टोरियल, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो सेवन सिक्स ज़ा फोर्टी टू, फोर्टी टू, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू टू ज़ा फोर, टू फोर ज़ा एट, एट हंड्रेड फोर्टी आ गया। फिर थ्री टू ज़ा सिक्स, तो सिक्स ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर, कैरी टू, सिक्स एट ज़ा फोर्टी एट, कितना आ गया, फाइव थाउजेंड फोर्टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया इसमें, यू हैव टू आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश, थ्री आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी एंड फोर आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजिंग देम ऑन सेल्फ।
तो आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही इजी है। देखो सबसे पहले मैं आपको ओरली एक्सप्लेन करती हूँ, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी कि लिखना कैसे है। देखो आपके पास टू आइडेंटिकल बुक्स हैं, किसके, इंग्लिश के। फिर आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सेम सेम, ठीक है। और थ्री बुक्स हैं किसके, हिंदी के। एंड आगे क्या है, फोर आइडेंटिकल बुक्स हैं आपके पास मैथमेटिक्स के, राइट। तो टोटल कितने हो गए, तो 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, मतलब आपके पास टोटल बुक्स कितने हैं, 9 बुक्स हैं। आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताना है, ठीक है। आपके पास टोटल कितने हैं, 9 बुक्स हैं, तो यहाँ पर लिखोगे 9 factorial। अब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब क्या, सेम सेम। तो देखो यहाँ पर दो बुक्स क्या है, इंग्लिश के, आइडेंटिकल मतलब सेम सेम है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 factorial into। फिर हिंदी के 3 आइडेंटिकल बुक्स हैं, तो आप क्या लिखोगे, 3 factorial into। फिर मैथमेटिक्स के 4 आइडेंटिकल बुक्स हैं, मतलब सेम सेम है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 4 factorial। समझ में आया। देखो जैसे वर्ड्स दिए रहते थे तो उसमें जो लेटर्स रिपीट होते थे, मतलब क्या, जैसे आपके पास गुड है, ठीक है, तो यहाँ पर हम अपॉन में क्या लिखते थे, 2 factorial। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ओ दो बार है, समझ में आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर ये जो बुक्स है ना, ये क्या है, सेम सेम है। इंग्लिश के बुक्स क्या है, सेम सेम है। जैसे यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है, मतलब दोनों सेम सेम है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 2 factorial। वैसे ही ये जो बुक्स है ना, ये क्या है, सेम सेम है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 factorial। फिर हिंदी के 3 बुक्स क्या है, सेम है, तो 3 factorial। एंड 4 बुक्स क्या है, मैथमेटिक्स के, सेम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 factorial। तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया। चलो अब लिखना कैसे है मैं आपको वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप लिखना, वी हैव टू आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश, फिर 3 आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी, एंड 4 आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। ओके इतना लिख दिया। फिर यहाँ पर आप लिखो कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने होंगे, 2 इंग्लिश, फिर 3 किसके, हिंदी के, एंड 4 किसके, मैथमेटिक्स के। कितने हो गए, 2 + 3 = 5 + 4 = 9। ओके तो अब यहाँ पर आप लिखना कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल कितना है, 9 है, तो यहां पर लिख दो 9 factorial। अब क्या क्या सेम है, तो देखिए यहाँ पर 2 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश, देन राइट हियर 2 factorial, फिर 3 आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी, तो यहाँ पर लिखो 3 factorial, फिर 4 आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर लिख दो आप 4 factorial। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 factorial अपॉन 2 factorial का मतलब क्या, 2 × 1 × 3 factorial का मतलब क्या, 3 × 2 × 1, राइट। यहाँ पर क्या है, 4 factorial, तो मैं लिख देती हूँ, तो 4 factorial से 4 factorial कैंसल। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 × 2 क्या होता है, 6 होता है, तो देखो 6 से 6 कैंसल। समझ में आया, मतलब ये दोनों यहाँ से जा चुके हैं। फिर और कुछ कैंसल हो रहा है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8। क्या क्या बचा है आपके पास, 9 × 4 × 7 × 5
और कुछ बचा है क्या? नहीं, और कुछ नहीं बचा है। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 फोर सा क्या होता है 36, 7 फाइव से 35 मल्टीप्लाई करिए तो 5 सिक्स 30, कैरी 3, 5 थ्री सा 15, 3 18, 3 सिक्स सा 18, कैरी 1, 3 थ्री सा 9, 1 10, 0 6 2 1 कितना आ गया 1260। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 1260। दिस इज योर आंसर। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया है, अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, इन हाउ मेनी वेज कैन बी ऑब्टेन। फर्स्ट क्या है, 4 हेड्स एंड 4 टेल्स। सेकेंड है एट लीस्ट 6 हेड्स। तो देखो आप समझना इसको, यहां पर क्या दिया है कि एक कॉइन को कितने बार टॉस किया गया, 8 टाइम्स, राइट। तो यहां पर मैं लिखती हूं अ कॉइन इज टॉस 8 टाइम्स। ठीक है, अब यहां पर जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें क्या बोल रहा है कि 4 हेड्स एंड 4 टेल्स, हमें इसका ना टोटल नंबर ऑफ वेज बताना है। ठीक है, कि आपको किन किन वेज से 4 हेड्स और 4 टेल्स मिल सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैं लिखती हूं कि वी रिक्वायर, हमें क्या चाहिए, 4 हेड्स एंड 4 टेल्स, यही चाहिए हमें, राइट। तो देखो समझो आपके पास ये 8 क्या है, देखो आप क्या कर रहे हो, एक आपके पास सिक्का है उसको 8 बार उछाल रहे हो, तो आपको 4 हेड चाहिए और 4 टेल्स चाहिए। तो समझो एच एच एच, ये हो गया हेड, हेड 4 हुआ, फिर टेल टेल टेल, राइट। आपके पास कितने लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं, जिनमें से 4 क्या है हेड्स और 4 क्या है टेल्स, मतलब 4 H है और 4 T है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, समझना आप बात को। देखो टोटल कितना 8 फैक्टोरियल, जिसमें से H 4 बार रिपीट हो रहे हैं और T कितने बार, 4 बार। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखना कि देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, देखो टोटल कितने लेटर्स हैं 8, तो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल लिख दो। H कितने बार, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल। T कितने बार, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 फैक्टोरियल है ना, T कितने बार है, 4 बार है, तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इस 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल। अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, राइट, 2 से 2 कट जाएगा, फिर 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, क्या क्या बचा है यहाँ पर, तो 7 इंटू 2 इंटू 5, तो 7 टू ज़ा 14, 14 फाइव ज़ा 70, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ गया 70। ओके, ये तो फर्स्ट का हो गया। अभी सेकेंड, तो देखो मैं यहाँ पर सेकेंड का भी कर रही हूँ। सेकेंड में क्या दिया है, एटलीस्ट 6 हेड्स। देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी वी रिक्वायर एटलीस्ट 6 हेड्स। तो आप यहां पर समझना, देखो एटलीस्ट 6 हेड्स का मतलब क्या, कम से कम 6 हेड्स, 6 से कम नहीं होने चाहिए। अगर 6 से ज्यादा होता है, समझो 7 हेड्स 8 हेड्स तो चलेगा, लेकिन 6 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आप कंडीशन समझना, देखो आप कॉइन को टॉस कर रहे हो 8 टाइम्स, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है कि आप 8 बार उछाल रहे हो तो 6 बार हेड्स आ जाए और 2 बार टेल्स आए, ये एक कंडीशन हो सकता है। हमें ना 6 के नीचे नहीं जाना है,
तो आप यहाँ पे 5 हेड्स नहीं लोगे, ठीक है। अगर 6 हेड से ज़्यादा हुआ तो चलेगा, लेकिन 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो समझो कि 7 टाइम क्या आ गया, हेड्स आ गया और 1 टाइम टेल आ गया। फिर समझो कि हमने 8 बार सिक्के को उछाला और 8ों के 8ों बार क्या आ गया, हेड्स आ गया, मतलब 8 हेड्स, राइट। तो ये यहाँ पे कंडीशंस बन रहे हैं, और मतलब या तो ये आ सकता है, या तो ये या फिर ये, ठीक। तो यहां पर लिखना आप कि हेंस द टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, देखो क्या होगा यहां पर, टोटल मतलब कितने बार आप सिक्के को उछाल रहे हो, 8 बार ना, तो यहां पर लिखना 8 फैक्टोरियल, जिसमें से 6 बार क्या आ रहा है, हेड्स, तो यहां पर 6 फैक्टोरियल। क्योंकि देखो आपके पास समझो ये कॉइन है, ठीक है, आपने इसको 8 बार उछाला, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। यहां पर क्या लिखा है, 6 हेड्स एंड 2 टेल्स, मतलब इस पर हेड आ गया, इस पर हेड्स, इस पर हेड, इस पर कितना हुआ, इस पर, और इन दोनों पे आ गया टेल्स। तो आप देखो हेड्स कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पर मैंने 9 बना दिया है क्या, एक मिनट रुकिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, ये 2 कॉइन्स, ठीक है, तो इस पर 10, इस पर भी टेल्स। तो अब आप देखो ये जो हेड्स है ना, ये कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है, तो यहाँ पर मैंने 6 फैक्टोरियल लिखा। फिर ये टेल्स कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी इनटू करके 2 फैक्टोरियल, समझ में आ गया आपको। फिर यहाँ पर देखो क्या है, और, तो जब भी और रहेगा, देखो आप याद करो एक्सरसाइज 6.1 को, जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि और मतलब आपको क्या करना है, प्लस, एंड मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो यहाँ पर और है ना, तो प्लस करना। फिर 7 हेड्स एंड 1 टेल्स, तो टोटल कितना, 8 फैक्टोरियल, जिसमें से 7 हेड्स, 7 हेड्स का मतलब क्या, इस पर भी क्या आ गया, हेड आ गया, और बस एक ही बार टेल आया, तो हेड कितने टाइम है, 7 टाइम्स है ना, तो यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टी तो एक ही बार है, जब एक बार रहता है तब हम थोड़े नहीं लिखते हैं, जितने बार रिपीट होता है कोई भी लेटर तब तो हम लिखते हैं ना नीचे, तो यहाँ पे ये टी तो एक ही बार है, तो ये हम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अभी यहाँ पर क्या है, 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ पे क्या है, 8 हेड्स, 8 हेड्स का मतलब क्या, 8ों के 8ों बार क्या आ गया, आपका हेड्स ही आया, तो यहाँ पर आप लिख दो 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, देखो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 × 1, प्लस यहाँ पर 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पर क्या होगा, देखिए 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1, ओके। तो यहाँ पर देखिए 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसल, और 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यहाँ पर क्या आ गया, 4 × 7, प्लस यहाँ पर 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, 8 बचा, प्लस 1, 4 × 7 = 28, प्लस 8 + 1, तो 28 + 8 + 1 कितना हो गया, 37। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया है, अ बैग हैज 5 रेड 4 ब्लू एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, इफ ऑल आर ड्रॉन 1 by 1 एंड देयर कलर्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फाउंड। तो ये क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन के जैसा ही है, समझना आप बात को, देखो आपके पास 5 रेड 4 ब्लू एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, 5 रेड कलर्स के हैं, फिर 4 ब्लू हैं एंड 4 क्या हैं, ग्रीन मार्बल्स, ठीक है, एक बैग के अंदर हैं।
अब आपको इसमें यहाँ पर ना डिफरेंट अरेंजमेंट्स बताना है, मतलब आप समझो कि आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करना है। तो देखो टोटल कितने हो गए, टोटल मार्बल्स 5 + 4 = 9, 9 + 4 = 13, आपके पास टोटल 13 मार्बल्स हैं, जिसमें से 5 लाल कलर के हैं, 4 ब्लू कलर के हैं और 4 ग्रीन कलर के हैं। समझ में आ रहा है, मतलब 5 मार्बल्स क्या है, सेम है, फिर 4 मार्बल्स क्या है, सेम है, एंड फिर अगेन 4 मार्बल्स क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था, वहां पर बुक्स दिए गए थे आइडेंटिकल बुक्स, वैसे ही आप समझो यहाँ पर क्या है, आइडेंटिकल मार्बल्स। ओके, तो इसका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, देखो टोटल कितना है 13, तो 13 फैक्टोरियल अपॉन 5 जो मार्बल्स है वो रेड कलर्स के हैं, मतलब यहाँ पर 5 फैक्टोरियल आप लिखोगे, उसके बाद 4 मार्बल्स कितने कलर, कौन से कलर के हैं, ब्लू, तो यहाँ पर लिखोगे 4 फैक्टोरियल, फिर 4 मार्बल्स हैं ग्रीन कलर के, तो यहाँ पर लिखोगे 4 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया, बहुत ही इजी है, बस आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिखना अ बैग हैज 5 रेड 4 ब्लू एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, राइट। तो यहां पर लिखना देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13, ठीक। अब उसके बाद यहां पर लिखना कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू क्या होगा, 13 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल मार्बल्स कितने हैं, 13 है, जिसमें से 5 क्या है, रेड, मतलब 5 क्या है, सेम है, तो यहां पर मैं लिखूंगी 5 फैक्टोरियल इनटू, फिर 4 क्या है, ब्लू, मतलब 4 मार्बल्स सेम है, तो यहां पर 4 फैक्टोरियल, फिर उसमें 4 क्या है, ग्रीन, मतलब यहां पर 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 13 × 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल लिख दिया, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 4 × 3 × 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, आपको ना आंसर मिलेगा। चलो मैं यहाँ पे करती हूँ, तो देखो क्या होगा, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये 2 बचा है ना, तो क्या करते हैं हम, देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर 3 है ना, तो 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा है आप उसको लिख लो, तो 13 × 11 × 10 × 9 × 7, तो जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको आपका आंसर मिलेगा। तो 13 × 11, तो 13 × 1 = 13, कैरी 1 13 × 1 = 13 114, 143 हो जाएगा, फिर × 10 9 = 90 × 7, तो अब 143 × यहाँ पर 9 × 7 = क्या हो जाएगा, 63, मतलब 630। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, देखो 143 63 3 3 = 9 3 4 = 12, कैरी 1 3 = 3 1 4 6 3 = 18 6 3 = 18 6 4 = 24 1 5, कैरी 2 6 = 6 + 2 = 8, तो 9, यहाँ पर 10 का 0, कैरी 1 5 + 4 9,
नाइन प्लस वन, टेन का जीरो कैरी वन, यहाँ पर नाइन और यहाँ पर नाइन, मतलब कितना आ गया 90,090। ठीक है, 90,090 ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिकल, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव ऑल वोवेल्स टुगेदर। तो देखो आपके पास एक वर्ड है, कौन सा, मैथमेटिकल। ठीक है, आपको यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है कि ऑल वोवेल्स टुगेदर, मतलब सभी वोवेल्स क्या होने चाहिए, साथ में होने चाहिए, तब आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताना है। समझ में आया? तो देखो मैंने आपको क्या बोला था एक्सरसाइज 6.3 में कि जब भी टुगेदर वाली बात आए तब जिनको भी साथ में लेने के लिए बोला रहेगा ना, आप उन सभी को क्या कंसिडर करोगे, वन यूनिट। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे ना आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप लिखो द वर्ड मैथमेटिकल हैज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेटर्स ऑफ विच। अब देखो यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, तो M रिपीट हो रहा है क्या, तो M यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब टू टाइम्स। तो यहाँ पर लिखना ऑफ विच M इज रिपीटेड टू टाइम्स, फिर ए यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, मतलब ए कितने बार है, थ्री टाइम है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम A is repeated three times। और कुछ यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो M देख लिया, A देख लिया, अब T, तो T यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, मतलब two times। तो यहाँ पर लिखना T is repeated टू टाइम्स। और कुछ यहाँ पर देखो H, तो H और कहीं पर भी नहीं है, E नहीं है, I नहीं, C नहीं, L नहीं, तो बस यही था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखना कि therefore number of arrangements, देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ ना कि ये जो मैथमेटिकल वर्ड है ना, इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of the word mathematical is equal to, क्या होगा, देखिए total कितने letters हैं इसमें, 12 letters है, तो यहाँ पर 12 factorial upon। अब देखो इसमें जो m है ना वो टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब देखो टू फैक्टोरियल इंटू, फिर a थ्री टाइम्स, तो यहाँ पर थ्री फैक्टोरियल इंटू, t कितने टाइम्स, टू टाइम्स, तो यहाँ पर टू फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर क्या दिया था कि हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैव ऑल वोवेल्स टुगेदर, तो टुगेदर जहाँ पर भी आया मतलब वन यूनिट कंसिडर करना है। तो यहां पर मैं लिखूंगी कि द गिवन वर्ड हैज कितने वॉवेल्स हैं इसमें, देखो मैथमेटिकल में, तो एक तो यहां पर मैं लिख रही हूं, एक तो ए है, फिर दूसरा क्या है, ई है, तीसरा है ए, फिर क्या है आई, फिर ए,
मतलब इसमें टोटल कितने वॉवल्स हैं, तो फाइव. तो द गिवन वर्ड हैज फाइव वॉवल्स. दैट इज कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए ई ए आई ए. अब यहाँ पर लिखो आप कि लेट फाइव वॉवल्स एज वन यूनिट. हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे कि ये जो पांचों वॉवल्स है ना, ये क्या है, एक यूनिट. मतलब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि आपको सभी वॉवल्स को साथ में रखना है. साथ में रखना मतलब आप सभी वॉवल्स को कंसिडर कर लो वन यूनिट. ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिखना कि नाउ वी हैव. अब हमारे पास कितने लेटर्स होंगे, देखिए यहाँ पर समझो ये क्या आ गए, यहाँ पे वॉवल्स सभी, इनको हमने वन यूनिट कंसिडर किया है, तो यहाँ पे ए ई ए आई ए यहाँ पर आ गया. ठीक है, यहाँ पर समझना बात को. अब आपके पास कौन कौन से लेटर्स बच रहे हैं, तो एक तो एम, फिर क्या टी, फिर एच, फिर ई तो चला गया है, फिर एम, फिर टी, देन सी एंड एल. ठीक है, तो कितने लेटर्स हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और इसको लेकर के 8. तो यहाँ पर लिखेंगे हम वी हैव 8 लेटर्स. कौन कौन से हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. ठीक है, अब ये जो हमारे पास लेटर्स हैं इनमें जो M है, ये देखो M 2 टाइम्स है, फिर T भी 2 टाइम्स है, राइट. तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि इन विच M एंड T रिपीट्स ट्वाइस, दोनों 2 टाइम्स है ना, तो इसलिए यहाँ पर ट्वाइस लिख दिया. समझा, तो यहाँ पर अभी आप लिखना कि हेंस द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ दीज 8 लेटर्स इज इक्वल टू. इन 8 लेटर्स का नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, देखो टोटल कितने लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं, तो 8 फैक्टोरियल, जिसमें से n 2 बार है तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, t 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा. ठीक है, यहाँ तक तो आपने लिख लिया. अब आप ज़रा सोचो कि ये जो वॉवल्स आपके पास हैं 5, इनको भी तो आप अरेंज कर सकते हो ना. तो यहाँ पर आप लिखना कि एंड 5 वॉवल्स, कौन कौन से हैं यहाँ पर लिख लो, ए ई ए आई ए. ठीक है, 5 वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड इन, यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा, समझिएगा इसको. आपके पास 5 वॉवल्स हैं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 फैक्टोरियल. ओके, अब यहाँ पर कुछ रिपीट हो रहा है क्या, तो देखो ए ए ए मतलब 3 बार ए है, इट मीन्स यहाँ पर 3 फैक्टोरियल. ओके, अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, इसको आप पहले लिखो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल फिर इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर लिखना इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया.
देखो मैं आपको ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो आपके पास वर्ड क्या था, मैथमेटिकल, राइट। तो मैथमेटिकल ये जो वर्ड है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, बस मैथमेटिकल वर्ड का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो कितने होंगे, देखो हमने यहाँ पर ये निकाला ना, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों, क्योंकि इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं, 12 लेटर्स हैं, तो यहाँ पर 12 फैक्टोरियल। अब जो m है ये दो बार है तो 2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद a कितने बार है, 3 टाइम्स है तो 3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद क्या है जो t है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। इतना क्लियर है आपको। फिर यहाँ पर कंडीशन क्या दिया था कि ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, मतलब सभी वोवेल्स साथ में रहने चाहिए। तो हमने जो भी यहाँ पे वोवेल्स थे, इसमें कितने वोवेल्स थे, 5 वोवेल्स थे, तो इनको हमने कंसिडर कर लिया 1 यूनिट। मतलब अब हमारे पास कितने लेटर्स हो गए, देखो आपके पास 12 है, उसमें से 5 माइनस करो 7 होगा, राइट। अब इन सभी को आपने एक यूनिट कंसिडर किया है तो 7 + 1 = 8, मतलब अब आपके पास 8 लेटर्स हैं, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा इन 8 लेटर्स का, क्या होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये दोनों कहाँ से आया, तो देखो m दो बार है और t दो बार है, इसलिए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ओके। अब जो आपके पास वॉवेल्स है उनको भी तो आप अरेंज कर सकते हो ना आगे पीछे करके, मतलब ए को यहाँ पर कर सकते हो, ई को यहाँ पर, ऐसे करके आप अरेंज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर कितने वेज आ जाएंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि जो इसमें ए है ना वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन।